आगे बढ़ेंगे उज्जैन की बात करते हैं, जहां पर महाकाल के दर पर वीआईपी बजरंग दल का हंगामा देखने को मिला। रणबीर कपूर आलिया भट्ट के आने से पहले ही हंगामा हुआ। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में प्रवेश करने से रोक की मांग की है। वीवीआईपी शंख द्वार पर रणबीर आलिया के आने पर उनके आने से पहले ही हंगामा देखने को मिला है। रणबीर कपूर को दिखाए गए काले झंडे और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई है। बीफ खाने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं होनी चाहिए, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद का। तो बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और उनकी धर्मपत्नी आलिया भट्ट को लेकर देखिए किस तरीके का हंगामा उज्जैन में देखने को मिला है। पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। यहां पर गो बैक के नारे भी लगे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के आने से पहले ही ये तस्वीरें उज्जैन से निकलकर सामने आई है। हाथों में पोस्टिंग लिए। अरे सर की कॉलम पकड़ ली ना उसने। अरे छोड़ना क्या हुआ? मैडम मैडम अंदर इधर क्यों ले जा रहे हो यार? इधर प्रदीप मालवीय ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से जुड़े हैं। प्रदीप, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, इनकी मांगे क्या है, क्यों ये हंगामा कर रहे हैं? कि आज सुबह से ही गहमा गहमी थी, जब से रणबीर कपूर और आलिया कपूर द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि आज हम महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद से ही महाकाल में कर दी गई थी कर यहाँ पहुंचे। उन्होंने जब उनकी गाड़ियां पहुंची तब काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और भाजपा और जो वीएचपी के कार्यकर्ता है उनके बीच काफी हंगामा भी हुआ। उनका कहना था कि जो बीफ वाला जो बयान दिया गया था इनकी तरफ से, उस लेकर लोगों का विरोध था कि जो बीफ का समर्थन करते हैं उन लोगों में हम नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए। लेकिन प्रदीप देखिए, जिस तरीके का माहौल बनाया, पुलिस ने शांत भी किया है, लेकिन इसी बीच रणबीर और आलिया के आने की कोई अपडेट आपके पास? देखिए, इस हंगामे के दौरान ही रणबीर और आलिया का जो काफिला था उसको जब ये सूचना मिल गई तो उसको वहां से बता दिया गया है। अभी फिलहाल तक अभी मंदिर नहीं पहुंचे हैं और अभी किसी प्रकार की यहाँ कोई उनके आने की। ठीक है प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।